अब देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा स्पिरुलिना भी बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है। ये करीबन 500 लीटर के ऊपर है। अब इसको हम लोग करीबन 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका एक साइकिल होता है, उस साइकिल के हिसाब से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो ये हमारा फीडिंग टैंक है, जो शीप है उनके लिए यहाँ से ही फीड जाने वाला है। मतलब ये जो मेन टैंक है, ये मेन टैंक को जो फीडिंग है यहाँ से ही जाने वाला है। आगे चल के ये जो तारपोलिन में है, ये कंस्ट्रक्टेड टैंक रहने वाली है यहाँ। तो ये सारा व्यूज़ में यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है कुछ दिन के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। मे बी ये 15 दिन के बाद ही आपको यहाँ से सारी अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएगी। सो यू कैन सी द स्पिरुलिना कैसे लेवल पे ग्रो हो चुकी है। इसकी लेयर भी देखो आप कितनी मोटी है। तो यही होता है एक्चुअल वर्क। सारी मेहनत जाती है उमेश सर को। उमेश सर पिछले लगातार 3 महीने से, देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं कि सर हमें सीखना है, हमें करना है, तो ये बात आज उमेश सर से सीखने जैसी है। लास्ट 3 महीने से वो यहाँ पे लगे पड़े हैं। इन्होंने ग्राउंड से ये बिजनेस कैसे स्टेबल हो रहा है, टैंक कैसे बन रहे हैं, प्लम्बिंग कैसे हो रही है, हम क्या क्या सिस्टम यहाँ पे लगा रहे हैं, टॉप क्लास सिस्टम इसके अंदर लगी हुई है। जैसे कि मैं आपको डिटेल में इसका वीडियो बनाने वाला हूँ तो उसमें पता चलेगी। साथ ही साथ ये सारा कल्चर जो 500 लीटर का कल्चर है, 50 ml से लेके 500 लीटर तक का जो पहुंचाने वाला आदमी है वो है उमेश सर। सो इनकी सारी मेहनत है, उनकी मेहनत के वजह से ही आज इतना अच्छे लेवल पे ग्रो हो चुका है। यू कैन सी हियर,